पूरी दुनिया में पक्षियों की 10,000 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। सभी के वही दो पंजे, दो पंख और एक गर्दन होती है, लेकिन इन्हीं में से एक ऐसा पक्षी है जिसकी एक अलग ही पहचान है, जो आसमान का सीना चीर के हजारों मीटर ऊपर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है, जो खुद से कई गुना वजन के शिकार को भी अपने पंजों में दबोच कर उड़ जाता है, और इसीलिए उसे पक्षियों का राजा कहा जाता है, जिसे हम बाज के नाम से जानते हैं। और एक बाज इतना ऊंचा मुकाम हासिल करता है अपनी ट्रेनिंग और अपने पुनर्जन्म की वजह से। अगर आप भी बाज की तरह इस दुनिया में एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं, तो एक बाज के बाज बनने का पूरा सफर आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि 25 से 30 की उम्र में आने के बाद भी लोगों को रिस्क लेने से डर लगता है, लेकिन एक बाज के जीवन की शुरुआत ही रिस्क से होती है। जिस उम्र में बाकी पक्षियों के बच्चे सिर्फ चिचियाना सीखते हैं, उस उम्र में एक मादा बाज अपने बच्चे को पंजों में दबोचकर हजारों मीटर ऊपर आसमान की ऊंचाइयों में उड़ जाती है, उसे ये बताने के लिए कि तेरा जन्म आसमान का सीना चीर के सबसे ऊपर उड़ने के लिए हुआ है, तेरा जन्म पक्षियों का बादशाह बनने के लिए हुआ है। जमीन से हजारों मीटर ऊपर ले जाकर मादा बाज उसे अपने पंजों से छोड़ देती है, और यहीं से शुरू होती है उसकी हाई रिस्क ट्रेनिंग। वो चूजा जमीन की तरफ तेजी से गिरने लगता है, थोड़ा नीचे आता है तो उसके पंख खुलने लगते हैं, नीचे आते आते वो अपने पंख फड़फड़ाने लगता है, लेकिन वो अभी तक उड़ना नहीं सीखा है, वो जमीन से कुछ ही मीटर ऊपर होता है। ऐसा लगता है कि कुछ ही सेकंड्स में इसका जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन अचानक एक पंजा उसे अपनी गिरफ्त में लेता है और वापस आसमान में उड़ जाता है। वो पंजा होता है उसकी माँ का, जो उसके पीछे उड़ रही थी। उसकी ये ट्रेनिंग तब तक चलती रहती है जब तक वो उड़ना नहीं सीख जाता। इतनी हाई रिस्क ट्रेनिंग होने के बाद इस दुनिया को एक बाज मिलता है। बारिश के वक्त जब सारे पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं, तब यही बाज बादलों से ऊपर उड़ता है। एक बाज की उम्र लगभग 70 साल होती है। जब वह 40 साल का होता है, तो एक परेशानी उसकी जिंदगी में मौत बनकर आती है, जो आपके परेशानियों की तुलना में बहुत बड़ी होती है, क्योंकि 40 साल की उम्र में बाज की चोंच इतनी मुड़ जाती है कि उसे शिकार निगलने में बहुत परेशानी होती है। उसके पंख भारी हो जाते हैं, छाती से चिपकने लगते हैं, जिससे उड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं, जिससे वो शिकार को सही से नहीं पकड़ पाता। अब उस बाज के पास सिर्फ तीन रास्ते होते हैं। पहला, वो अपना शरीर त्याग सकता है। दूसरा, गिद्ध की तरह छोड़े हुए भोजन पर निर्भर हो जाए। और तीसरा, सबसे कठिन और पीड़ादायक रास्ता, अपने आप को पुनः स्थापित करने का, फिर से आसमान का सीना चीर के उड़ने का। और वो इसी तीसरे रास्ते को चुनता है और अपने पास की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच जाता है। वहां पर अपना घोंसला बनाता है और फिर शुरू होता है परेशानियों को जड़ से उखाड़कर फिर आसमान में उड़ने का सफर। वो अपनी चोंच को एक चट्टान पर मार मार कर तोड़ देता है, लहूलुहान हो जाता है और इंतजार करता है फिर से नई चोंच उगाने का। उसके बाद अपनी नई चोंच से अपने ही पंजों को काट देता है और फिर इंतजार करता है पंजों के उगाने का। उसके बाद वो अपने एक एक पंख को अपने शरीर से अलग करता है और फिर इंतजार करता है नए पंख उगाने का। और इस प्रक्रिया में उसे समय लगता है पूरे 5 महीने का। इन 5 महीनों की कड़ी तपस्या से एक बाज का पुनर्जन्म होता है। वो फिर से तैयार हो जाता है आसमान का सीना चीर के उड़ने के लिए। जो तीन रास्ते बाज के पास थे, वही तीन रास्ते आपके पास भी होते हैं, लेकिन कुछ लोग पहले रास्ते को चुनते हैं और परेशानियों के बोझ तले दबकर सुसाइड कर लेते हैं। ज्यादातर लोग दूसरे रास्ते को चुनते हैं। वो परेशानियों का बोझ पड़ते ही अपने लक्ष्य को छोड़कर एक नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं। और कुछ वो लोग भी होते हैं जो इन परेशानियों को लात मारकर अपनी मेहनत के दम पर बाज की तरह आसमान की बुलंदियों को छूते हैं। दोस्तों, बाज की ये ट्रेनिंग हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है कि अगर रिस्क लेना पड़े तो लो, लेकिन अपने फील्ड में अपने आप को इतना ट्रेन कर लो कि उस फील्ड में आपसे ऊपर उड़ने के बारे में सोचकर ही लोगों के पसीने छूट जाएं, तभी आप अपने फील्ड के बादशाह कहलाओगे। सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ऐसे ही नहीं बन गए। इन्होंने सबसे पहले ट्रेन किया अपने आप को, फिर इतनी ज्यादा मेहनत करी कि इन्होंने अपने फील्ड में सबकी फाड़ के रख दी। इसलिए एक बाज की तरह बनो। जय हिंद, वंदे मातरम।